नमस्ते। तो आज का टॉपिक है दिवाली पूजा के लिए जल्दी से मैं कुछ टिप्स दूंगी जो अपनी पूजा में ऐड करके, दिवाली पूजा में ऐड करके अपने लिए बेनिफिशियल बना सकते हो। अब इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, जिसका मतलब ये है, मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ, मैं दिवाली पूजा का फॉर्मेट नहीं बता रही हूँ। रिपीटिंग इट वंस अगेन, आई एम नॉट टेलिंग दिवाली पूजा कैसे करनी है। मैं ये बता रही हूँ कि दिवाली पूजा जिस तरीके से भी कर रहे हो, जिस मेथड को फॉलो कर रहे हो, उसमें ये कुछ ऐड ऑन्स कर देना जिससे उस चीज़ में और बेनिफिट आ जाएगा, ठीक है। बिकॉज़ हर कोई अपने तरीके से दिवाली पूजा करता है, क्योंकि उनके गुरु लोग होते हैं, कुछ लोगों के जो बताते हैं, तो उसमें हम कोई इंटरप्शन में नहीं चाह रही हूँ। मैं चाह रही हूँ कुछ एडिशंस कर दो ताकि उसको और बेनिफिशियल बना दो। तो ये क्लियर रखना, ये नहीं है कि दीदी, गुरु दीदी यहाँ पे दिवाली पूजा का फॉर्मेट बता रही है, नहीं बता रही है, सिर्फ टिप्स बता रही हैं कि जिनको तुम अगर उसमें ऐड कर दोगे तो और बेनिफिशियल हो जाएगा, समझे, जो भी प्रोसेस है दिवाली पूजा करने का। तो आई होप ये क्लियर हो गया। अब मैं टिप नंबर वन से स्टार्ट कर रही हूँ। सबसे पहला टिप नंबर वन क्या है, तुम्हारा कोई भी यूटेंसिल जो भी इस्तेमाल करते हो दिवाली पूजा में, चाहे फल रखने के लिए, मिठाई रखने के लिए, या लक्ष्मी जी को, कुबेर जी को, गणेश जी को स्थापित करने के लिए जो भी यूटेंसिल इस्तेमाल करते हो, हर यूटेंसिल में सबसे पहले जो है वो स्वास्तिक का साइन बनाना बहुत ज़रूरी है। ओके, अभी तक नहीं बनाते हो तो बनाना शुरू कर दो, चाहे उनको जिस भी, चाहे वो डोंगा हो, चांदी का हो, मिट्टी का हो, या आई डोंट नो अष्ट धातु का हो, किसी भी चीज़ का हो जो इस्तेमाल, या स्टील का भी हो फॉर दैट मैटर, तो उसमें स्वास्तिक लाल रंग से ज़रूर बनाना। ओके, लाल रंग से ज़रूर बनाना। और जिनको धन का ज़्यादा जो है मल्टीप्लाई दे वॉन्ट टू डू, दे देन स्वास्तिक जो है हरे रंग से भी बना सकते हो, समझ रहे हो, बिकॉज हरा रंग जो है वो अगेन प्रॉस्पेरिटी से लिंक्ड है। लाल या हरा रंग का स्वास्तिक बना सकते हो, बनाना है। ओके, ये टिप नंबर वन है। तो जिसमें भी फल फ्रूट देने हैं, जो भी, चाहे वो डोंगा है, चाहे वो प्लेट है, चाहे वो जो कुछ भी है, उसमें स्वास्तिक बनाना है। दूसरा क्या है, स्वास्तिक को सही तरीके से बनाना है। सही तरीका मतलब, कई लोग जो होते हैं, मैंने देखा है, स्वास्तिक का साइन तो बना देते हैं लेकिन उसमें बिंदियाँ लगाना छोड़ देते हैं, जो चार बिंदी अंदर लगती हैं वो लगाना छोड़ देते हैं। तो जब वो छोड़ देते हैं, पहली बात तो वो कंप्लीट यंत्र नहीं बना, उसका वो साइंटिफिक ख़त्म हो गया, एनर्जी डिस्टर्ब वो ख़त्म हो गई उसमें, वो पूरा बना ही नहीं, वो तो हिटलर का साइन बन गया जो वो इस्तेमाल करता था। ओके, सो दैट इज़ समथिंग दैट वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट हियर। हमें पूरा अपना स्वास्तिक बनाना है। दूसरा, स्वास्तिक काट पीट के नहीं बनाना है। कुछ लोग बोलते, मैंने देखा है कुछ लोग जो बनाते हैं स्वास्तिक, तो ऐसे करके बनाएंगे, फिर वहाँ से दूसरा लाइन, दूसरे हिस्से का लाइन शुरू कर देंगे। ऐसे नहीं बनाना है, स्वास्तिक को पहले पूरा एस बनाना है, फिर दूसरी जगह से जब वो बन जाए तो ऐसे करके तब वहाँ से दूसरी जगह से स्टार्ट करना है। तो सही तरीके से भी बनाना स्वास्तिक ज़रूरी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। अदरवाइज एनर्जी ब्रेक हो जाएगी, एनर्जी स्कैटर्ड हो जाएगी, एनर्जीज में जो है कहते हैं ना कि उसका बेनिफिट मिलेगा ही नहीं। ओके, तो ये चीज़ करनी है, स्वास्तिक बनाना है जो भी ऑफरिंग्स हैं या जिनमें भी विराजमान कर रहे हो देवी देवताओं को दिवाली वाले दिन। दैट्स टिप नंबर वन। दूसरे टिप पे आ जाओ। दूसरा टिप जो है वो ये है कि दिवाली के दिन सब लोग लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं, धनतेरस के दिन लक्ष्मी जी, अच्छा, और ये जो मैं टिप्स बता रही हूँ ये धनतेरस की पूजा से भी शुरू कर सकते हो, ठीक है ना, वो धनतेरस की पूजा से भी शुरू कर सकते हो जो मैं ये टिप्स बता रही हूँ। तो दिवाली और धनतेरस दोनों पे ये चीज़ कर सकते हो जो है। तो दूसरे पॉइंट पे आ जाओ कि लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं ना, तो हम एक लक्ष्मी, मोस्टली लोग एक लक्ष्मी जी का नाम लेके पूजा करते हैं, नहीं, हमें अष्ट लक्ष्मी जी की, महालक्ष्मी जो है, महालक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए दिवाली वाले दिन और धनतेरस वाले दिन। विच मीन्स देर आर एट फॉर्म्स ऑफ गॉडेस लक्ष्मी, जाके गूगल पे नाम चेक कर लेना, क्योंकि मैं इस वीडियो को जल्दी ख़त्म करना चाहती हूँ, विच इज़ अ क्विक वीडियो, लेंदी में नहीं चाह रही हूँ मैं। तो अष्ट लक्ष्मी है, फॉर दैट मैटर फर्स्ट एक एग्जाम्पल जैसे धन लक्ष्मी है। ओके, धन लक्ष्मी जी क्या देंगी, वो धन देंगी। ओके, व्यापार लक्ष्मी है, वो क्या करेंगी, वो बिजनेस में ग्रोथ देंगी, बिजनेस लाएंगी। सो इस तरीके से कैटेगरीज बनी हुई हैं एनर्जीज़ की महालक्ष्मी की, जिनके अंदर वो ये सब आती हैं, आठ फॉर्म्स उनके, जैसे नव दुर्गा है ऐसे अष्ट लक्ष्मी है, समझ लो इस बात को। तो उनकी हमने एक फ़ोटो लानी है जिसमें अष्ट लक्ष्मी बनी हुई हो, या
फॉर दैट मैटर कोई मूर्तियाँ जो छोटी छोटी अष्टलक्ष्मी के फॉर्म्स में आती हैं, मतलब अष्टलक्ष्मी को हमने याद करते हुए दिवाली की पूजा करनी है, ठीक है। एक ये चीज़ हो गई, दूसरा टिप हो गया। तीसरा टिप पे आ जाओ, जब हम अष्टलक्ष्मी जी की पूजा कर रहे हैं, आठ फॉर्म्स ऑफ गॉडेस लक्ष्मी को हम याद कर रहे हैं और उन्हें पूज रहे हैं, तो इसका मतलब है सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ और सबसे पसंद वो किस चीज़ फूल को करती हैं, कमल के फूल को करती हैं, इजंट इट। तो हमें आठ कमल के फूल जो हैं वो लाने हैं लक्ष्मी जी के लिए, बिकॉज हम अष्ट लक्ष्मी जी की पूजा कर रहे हैं। हर एक कमल का फूल एक लक्ष्मी जी को हमने जो है ऑफर करना है, समझ रहे हो। तो आठ कमल के फूल लाने ज़रूरी हैं, ऐड कर दो इसको अपनी पूजा में, यू विल सी अपने पूजा का प्रभाव और बढ़ा दोगे, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई। अब आ जाओ नेक्स्ट टिप पे। नेक्स्ट टिप क्या है? नेक्स्ट टिप ये है कि तुम जो है एक कलश स्थापना कर सकते हो। अब वो कलश चांदी का हो सकता है, स्टील का हो सकता है, मिट्टी का हो सकता है, अष्टधातु, एनी ऑफ द फॉर्म्स, ओके, दैट हार्डली मैटर्स। जिसकी जितनी कैपेसिटी है, ये मैं नहीं कहती कि सिर्फ चांदी का ही कलश चाहिए जी या अष्टधातु का ही चाहिए, नो, मिट्टी का भी हो सकता है। साफ़ सुथरा होना चाहिए, नया होना चाहिए, खंडित नहीं होना चाहिए, टूटा नहीं होना चाहिए, क्रैक नहीं होना चाहिए, याद रखना, ओके। सो दैट्स इट। उसमें तुमने सफ़ेद चावल भरने हैं, सफ़ेद चावल में तुमने एक चांदी का सिक्का डाल देना है, और उसको अष्टलक्ष्मी के सामने जो है वो रख देना है, बंद करके ढक के, और उसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा एक नारियल भी रख दो। ये इंग्लिश की वीडियो में छूट गया, नारियल रखना ऑप्शनल है, ऑलराइट, उसको बस ढक के रखना, कलश बनाना है तुमने बेसिकली, उसमें एक चांदी का सिक्का डालना है और अष्टलक्ष्मी के सामने रख देना है, ओके। वो कलश का मतलब है प्रॉस्पेरिटी, ग्रोथ, इन अ फॉर्म ऑफ अन्नपूर्णा देवी का भी, कि किचन में हमेशा सामान भरा रहे, राशन की कभी कमी ना हो, अन्न की कभी कमी ना हो, दैट इज़ दैट फॉर्म, ऑलराइट। तो वो रख देना, क्योंकि चांदी जो मेटल है वो गॉडेस लक्ष्मी का मेटल है, ओके, और चंद्रमा से भी रिलेटेड है, तो चंद्रमा दिमाग से रिलेटेड है, तो दिमाग भी सही रहेगा, दिमाग सही रहेगा तो डिसीजन सही लोगे, और जो है जब लक्ष्मी जी का मेटल धातु जो है वो चांदी है जिसमें विराजमान होती हैं, सो ऑन द दिवाली डे अगर हम ऐसा करते हैं, सो वी आर ब्रिंगिंग ज़्यादा प्रॉस्पेरिटी एंड ज़्यादा बेटरमेंट टू आर पूजा। हम ये इसीलिए मैंने कहा एडिशंस टू योर पूजा, ओके। ये चीज़ें हैं जो टिप्स हैं, जो जिस तरीके की भी पूजा कर रहे हो उसमें ऐड कर लो, एंड यू विल सी कि इसमें बेनिफिट मिलेंगे, ठीक है। तो बस इतना ही इस वीडियो में। नेक्स्ट वीक अनदर टॉपिक। टिल देन गुड बाय।